देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवाओं में गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में ढेर सारी शीतलता समेटे हुए हो। दोस्तों, इस चैनल का लक्ष्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना ही नहीं, बल्कि आपको उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़ना भी है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य धार्मिक विरासत, संस्कृति, धरोहर व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व में विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मेरे ब्लॉगर पेज पे मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तराखंड को देवभूमि नाम से क्यों जाना जाता है और क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, ऐसे क्या क्या तथ्य हैं हमारे धार्मिक जिसकी वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर उत्तराखंड को कुछ शब्दों में अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं, नदियाँ, झरने, हिमालय के ऊंचे शिखर, सर्पाकार रोड, चीर देवदार, पांच के जंगल, फूलों की घाटी, मनभावन झील का किनारा और हर छोटी पहाड़ की चोटी पे एक मंदिर। अगर सरल शब्दों में हम अपने उत्तराखंड को परिभाषित करें तो इन सभी चीज़ों से मिलकर एक जो हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि है, ये बनी हुई है। दोस्तों, जो उत्तराखंड का देवभूमि होने का कारण है, उसके जो धार्मिक तथ्य है वो इस प्रकार हैं। पौराणिक काल में इस क्षेत्र में विभिन्न देवी देवताओं द्वारा अवतार लिया गया, विभिन्न देवताओं का जन्म हुआ। अगर आप उत्तराखंड के देवताओं के बारे में अगर दोस्तों कम जानते हैं या कुछ जानना चाह रहे हैं तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, मैं उसका लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए जो कि उत्तराखंड में देवी देवता क्यों पूजे जाते हैं और कैसे कैसे पूजे जाते हैं उसके बारे में मैंने पूरी सीरीज बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक में भी मैं आपको वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप विभिन्न देवी देवताओं के अवतार के लिए और साथ ही मनसा नामक स्थान में सीता माता धरती पर समाई थी, यह स्थान उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित है। दोस्तों, ये थे कुछ धार्मिक तथ्य जो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है। और आगे तथ्यों के लिए आप मेरे से जुड़े रहें। अगर आपने मुझे ब्लॉगर पर फॉलो नहीं किया है, वहाँ मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वर्डप्रेस पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि इंडिया wordpress.com वेबसाइट है। और दूसरा ब्लॉगर है देवभूमि 080bloggers.com, इन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर लीजिए और उत्तराखंड के ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगी। जुड़े रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।